Good Choice Studio and Islamic Network. कोई बोलो हाँ करो या ना करो, मैं आगे टुरा, मैं इतने तो नहीं खलोना। सलाम वाजिब है और जी वाजिब है, जवाब फर्ज है। और भाई और कोई बताएगा सलाम करना वाजिब है या फर्ज है, क्या है? अब देखो आप कितने लोग बैठे हो, इससे आप अंदाजा कर लो कि हम लोग महफिलों में अपना कितना नुकसान करते हैं, सिवाय इसके के आए नारे लगाए कुछ नहीं होता, सीखते नहीं है। ना सलाम करना फर्ज है ना सलाम करना वाजिब है, सलाम करना फर्ज भी नहीं है वाजिब भी नहीं है। एक बुनियादी बात है, किसी को भी नहीं पता, इससे आप अंदाजा कर लो कि हमारा हाल क्या है। इमाम साहब ने बताया खाली बस, बाकी किसी ने ठीक नहीं बताया, सब ने गलत बताया, किसी ने भी जवाब ठीक नहीं दिया। इससे अंदाजा करें खुर्रम भाई हम लोग क्या करते हैं महफिलों में है? आपको तो सवाब मिल जाएगा, आपने तो अच्छी नीयत से कराई है, आपका नुकसान नहीं है। जो आते हैं वो क्या करते हैं? आपने तो मोहब्बत से हुजूर का मिलाद सजाया है, लेकिन हम लोग आते हैं नारे लगाते हैं कख पल्ले। कितनी आम सी बात है, हमारा बुनियादी वो है इस्लाम का, सलाम करना ना वाजिब है ना फर्ज है, सलाम करना सुन्नत है। इतने मजमे में किसी एक को भी नहीं पता, और हम अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं। हम कहते हैं जी इसी महफिल मिलाद भी, तो बेनमाजी आते हैं बेनमाजी, अभी भी कई लोग बगैर टोपी के बैठे हैं महफिल में, आए महफिल मिलाद में सर पे टोपी भी नहीं है। मैं शर्मिंदा नहीं कर रहा, आपको माफी चाहता हूं, लेकिन ये कि जो दिल तो दुखता ना, हक बात तो है ना, इतना तो होना कम अज कम कि हम कभी आप अपनी ड्यूटी पर बगैर यूनिफॉर्म के गए हो? वहां तो आप कहते हो यार मजबूरी है मेरी ड्यूटी, दाढ़ी रखी हो ना बंदे ने, दाढ़ी चंगी दाढ़ी रखी हो, पूरा सुन्नत दा पाबंद हो, उन्हें भी पेंट शर्ट पानी पैंदी है, वो कहता यार ड्यूटी है मजबूरी अफसरान ने कहा है, तो महफिल में आ गए बगैर सर हैं टोप ढांपे से, तो हमारी तवज्जो नहीं है ना, असल में सीखते नहीं हम, सीखें भाई। बार वालों आप लोग मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो, यकीन करो आप इस तरह करोगे ना तो मैं फिर मुश्किल में पड़ जाऊंगा। मुझे 35 मिनट बात करनी है और मेरे 5 मिनट गुजर गए, 30 रह गए, तो आप सीखोगे तो फायदा होगा ना, खामोशी इख्तियार करोगे तो फायदा होगा। ये जो मैं कह रहा हूं अभी इन्होंने 2-3 बातें सीख ली हैं, इनको हज का तरीका पता चल गया, सबको हज का किस्में इन सबको पता चली है भाई, हज की किस्में, हज कितनी तरह का है, जोर से कितनी तरह का है? देखो पहले इनमें से किसी को नहीं पता था, फायदा हुआ ना, सुना है तो फायदा हुआ, फिर मैंने किस्में भी बताई हैं, अब जिसको याद होगा याद होगा, अब पता नहीं किस किस को याद है, याद है किसी को, कोई बता सकता तीनों किस्में? 10 रुपए दूंगा जो बताएगा, क्योंकि हले मैनू मिले नहीं, मैं कोलो ही देने ने भाई, हले इमाम साहब आए थे नहीं ना मेरे को, कोई बताएगा तीन किस्में कौन कौन सी? अब मैं बता देता हूं, हज्जे इफराद ठीक है, हज्जे तमत्तो और हज्जे कैरान, कोई बताएगा? हज्जे इफराद पहला हज, हज्जे इफराद दूसरा, हज्जे तमत्तो तीसरा, आज हज्जे कैरान, फिर इसकी किस्में, इन किस्मों की तफसील है। अब आपका काम है आप अपने इमाम साहब के पास ना, 20 साल से यहाँ इमाम है, इनके पास जाके आपने पूछना है इमाम साहब ये इफराद की होता है, तमत्तो की होता है, तो कैरान की होता है, ये इनसे पूछना। तमत्तो मैं बताने लगा हूं, तमत्तो मैं बताने लगा हूं, और दो आप बाद में इनसे पूछना, ठीक है ना, ठीक है ना। खुर्रम भाई आपने ना इशारा नहीं करना, जा रहा नींद आ रही, ओहो अच्छा अच्छा चलो जाने दो, इसको ले जाओ। तो अब आपने ना तवज्जो करनी है, फिर ये याद रहेगा, जैसे तीन किस्में याद रही है ना, ऐसे ही आपको फिर ये भी याद रहेगा। हज्जे तमत्तो कहते हैं फायदा उठाना, तमत्तो माने होता क्या? फायदा उठाना। तमत्तो क्या है? फायदा। फायदा क्या है? बंदा यहां से गया हज करने था, लेकिन अभी हज में बहुत दिन बाकी थे, इसने पहले आराम पाता जाके वहां पर क्या किया, उमरा, उमरा करके फिर इसने आराम खोल दिया, सर मुंडवा दिया। अब गया किस लिए था? गया किस लिए था? और हज से पहले उमरा करके सर मुंडवा दिया, और अब बाद में दोबारा आराम बांधेगा किसका? हज का। इसको कहते हैं हज्जे तमत्तो, फायदा उठा लिया। गया किस लिए था?
हज के लिए उमरा पहले हो गया, शर्म उड़ा लिया। शर्म उड़ाने का मतलब होता है उमरे के बाद सारे गुनाह खत्म। फरमाया हज से पहले ही तेरे सारे गुनाह अल्लाह ने खत्म कर दिए, इसको फायदा उठाना कहते हैं। तमत्तो होता है, ठीक है। अब बाकी तफसील दो की आपने इनसे पता करनी है। तमत्तो मैंने बता दी। अब मैंने ये बात छेड़ी क्यों दी, इसलिए कि तमत्तो होता है फायदा उठाना। घर किसका ये? अजीम साहब, नजीर साहब, तुसी तमत्तो कर लिया। ये बात मैंने की थी असल में, यहां से बात शुरू हुई। महफिल थी मोहल्ले में, कराई थी खुराम भाई ने, इनको मुफ्त में फायदा मिल गया। इसको कहते हैं तमत्तो। इसको क्या कहते हैं? हाँ, तो एक अजे तमत्तो है, फायदा उठा। ये तो अनु मुफ्त का स्वभाव मिल गया, तुहाडे घर रब हजूर का जिक्र फौरन ले आया। बोलो सुभान अल्लाह। तो इसलिए ये महफिलें जो होती हैं, इनको आप बामकसद बनाएं, आए तवज्जो करें। अगर आप नमाज नहीं पढ़ते थे, महफिल में आने के बाद आप बैठें, तो फिर आप नमाजी बन के जाएं। जिस जिसने आज इशा नहीं पढ़ी, वो इशा भी पढ़े। यहाँ से जाकर नियत करें कि यार मैं मिलाद में गया था, मैं नियत करता हूँ मैं इशा पढ़ूंगा। जब आप इशा पढ़ेंगे ना, तो कोई आपसे पूछेगा खैर है आज? कहना अज ही तो मज़ा आया मिलाद जाने का, अज तो मजा आया मैं मिलाद गया सी। उंज तो असं जाते सर कख पता नहीं, सीखिया कुछ नहीं, आ गए अज असी सलाम भी पता लग गया कि सलाम करना की है पता लग गया, सुनते अज अज दिया तीन किस्म भी पता लगिया ने, एक की तारीफ भी असी सुन लीए। तो मैं बेनमाजी गया सी, अज नमाजी बन के आया। हमने थोड़ी देर बाद घंटा और लगेगा, दो घंटे और लगन गए, पता लग जाएगा किन्ने किन्ने शैतान न लम्या पाया, तो किनू किनू शैतान ने लम्या पाया, ऐ हुणे पता लग जाएगा। जे तुसी पढ़ लई ना अज इशा, ते तुसी बन गए अज तो बाद नमाजी इंशाअल्लाह। तो हुण तुसी शैतान नू की पा लिया, तुसी क्या नहीं मैं पढ़नी पढ़नी है। हुण तुसी तो जाओगे ना, शैतान कहेगा यार बारिश भी हो रही है, कपड़े भी सही नहीं, बस ठीक है हुण लामा साहब ने कह दिता, हुण एडी छेती दी की लोड़ है, कल तो पढ़ लांगे। ते जिन्हें अज ना पढ़ी, उहनू शैतान ने उहदी कल आण देनी। जिन्हें अज जाके शाह पढ़ ली, उन्हें क्या नहीं भावें बारिश हो रही है, कपड़े सही ने, नीयत खराब है, मैं पढ़नी पढ़नी है, तो फिर अज तो बाद नमाजी बन जाएगा इंशाअल्लाह। उन्हें थोड़ी देर बाद पता लग जाता है अज की महफिल तुहाडे ते किन्ना असर कर गई है, किन्ना असर नहीं किया, उन्हें पता लग जाए। पहली गल, मैं अपने मौजू ते गल शुरू कर चुकिया, ये दो तीन गल्लां विच इसलाई आ गई सन। मेरा मौजू है हुजूर सोहने बड़े सन, मेरा मौजू हजूर बड़े, हजूर तो सोना कोई नहीं सी। यार मैं तुहानू की दसा, एडे कोई सोने सन ना हजूर, सोना शीशे के सामने खड़े होके अपने, लेकिन मैं कुछ कहने लगाऊं, है तो वजू मेरी तरफ। एक सोना होंदा जेड़ा खाली मुंह ही सोना होंदा, मुंह ही सोना होंदा, लेकिन जो बोलता ना बंदा सोचता यार एदा मुंह किड्डा सोना है पर एदी आवाज सोहनी। एक बंदा होंदा पढ़ता बड़ा सोहना है, आवाज़ बड़ी सोहनी होंगी, लेकिन उसका चेहरा कोई इतना जाज़िबे नज़र, उसका आवाज़ सुन के लोग उसके आशिक होते हैं, लेकिन उसके चेहरे से उसके आशिक। अच्छा, एक आदमी होता है वो सुनता बड़ा अच्छा, दूर की बात सुन लेगा, हल्का सा बोलो ना सुन लेगा, उसकी समाज बड़ी सोहनी होती है, लेकिन चेहरा सोना और गुफ्तार सोहनी। या तो उठ के सारे चले जाओ, या मेरे जुमले की चस लो, हुजूर एडे सोहने सन ना, चेहरा सोना, बोलते सन ते बोलना सोना, सुनते सन ते सुनना सोना, वेखते सन ते वेखना सोना, यार टुरदे सन ना ते टुरदा टुरना सोना। आए हाय 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 हाय, यार नबी पाक दी निस्बत नाल हुजूर दी निस्बत हो गई ना, जिस शह वाल आप एडे कोई सोने सन, जे शह नाल उन्हां दी निस्बत हो जाए ना, वह शह भी सोहनी हो जाती सी, वह शह भी की हो जाती सी। भाई हजूर यसरब गए ना, उन्हूं यसरब सारी दुनिया आती सी, सरकार दे कदम लगे ना, वह यसरब एडा सोहना हो गया, मदीना बन गया। हजूर की विलादत हुई ना, हजरत अब्दुल्ला दा रदी अल्लाह तआला दा कच्चा जिहा मकान सी, काले पहाड़ सन हर पासे, चारों पासे काले पहाड़, उन्हां दे विच कच्चा जिहा मकान सी हज़रत अब्दुल्ला दा, उत्थे हजूर की विलादत हुई। वह घर एडा सोहना हो गया ना, काबा भी उहदे वल झुक गया,
हुजूर एडे सोने सन, हुजूर एडे क्या ही बात है मेरे हुजूर दी। आला हजरत ने एक शेर लिखा है, इजाजत हो वे पढ़ दें। आला हजरत कहते हैं, दिल अपना भी शैदा है उस नाखून पाका। है तो वजू मेरी तरफ, दिल अपना भी शैदा है उस नाखून पाका, इतना नम है नो पे ऐ चरखे कोहन फूल, लब फूल दहन फूल बदन फूल जकन फूल, सरताबा कदम है तने सुल्तान जमन पू। पहला नारा लगा मेरी तकरीर के दौरान है आचार्य याली ताजदारे खत्म नबूवत। मेरी तकरीर के दौरान ये पहला नारा लगा है, इन्होंने लगाया और आप सब ने जवाब दिया। जे पहले नारे का है हाले आखिरी तक ही होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। ठीक हो मेरे बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह आप फरमाते थे, खत्मे नबूवत का नारा लाओ ना तुहाडे चेहरे ते एडा जलाल आए ना एडा कि मिर्जई कोई तुहानू वेखे ते उहदा दिल पाट जाए, वह सोचण ते मजबूर हो जाए ये चुंगी आले खत्मे नबूवत का नारा एडा डाढ़ा लाते ने, यह खत्मे नबूवत ते पैरा किड्डा डाढ़ा देणगे। इंज नारा लगे मिर्जई वेखे उहदा दिल पाटे कि यार ते इंज नारा ला ताजदारे खत्मे नबूवत सलामत रहो। ए वाला कोना थोड़ा मिठा मिठा मठा रह गया, ताजदारे खत्मे नबूवत है। ए नौजवान जेडे बैठे नो खुसूसन तुसी तवज्जो करो, कदी कदी तुसी मिर्जे दा क्लिप भी सुन लैंदे हो ना, इसलिए जरा तुहाडे वल ज्यादा तवज्जो। अजकल मिर्जा भी अपना दीन वेच रहा ना, पक्के हो अकीदे के ताजदारे खत्मे नबूवत। कहां पहुंचे थे हम बात, हुजूर एडे सोहने सन ना, सरकार ने कदम रखिया ना, मदीना एडा सोहना हो गया ना, एडा सोहना दुनिया तरस दी अज मदीने नू वेखण लई, एडे सोहने ने मेरे हुजूर। हुजूर जिस शहर वल वेखण वह शहर सोहनी हो जाए, हुजूर जिस शहर वल जाण वह शहर, हुजूर गल करण सुभान अल्लाह गल करण ते इंज जिवें फुल पे चढ़दे ने, समझ आई। एडे कोई सोहने सन हुजूर सुभान अल्लाह। अच्छा बाजे लोग ना तवज्जो, बाजे लोग दूरों बड़े सोहने लगते हैं लेकिन जो नेड़े आन ना, ए एक बीबी है हजूर वो घर गए सी, उस बीबी का नाम सी उम्मे माबद। जो सरकार ने मक्के तो हिजरत की ना, सरकार मदीने वाल गए ना, हुण तवज्जो तुहाडी मेरे वाल होवे ते मैं गल अगली करा। है हजूर गए ना, तो रस्ते च सरकार ने उन्होंने घर ना क्याम किया, बैठ जाओ बेटे, हजूर ने ना उन्होंने घर क्याम किया। वो बीबी ने कहा हजूर तुसी साडे घर जानते नहीं सी के कौन ने, भाई पता सी कि मेहमान ने। उन्हें कहा जी मेरा बंदा शोर मेरा लैके गया होया बकरियां, तो इस वक्त घर कुछ है कोई नहीं, तो की तुहानू पेश करिए। सरकार ने फरमाया ए जड़ी बकरी खड़ी है तुसी इजाजत दियो, मालिक तुसी हो इजाजत दियो, इहदा दुध असी चो लईए। वो कहण लगी जनाब मैं शर्मिंदा वा, घर मेरे कुछ है कोई नहीं, लेकिन यह बकरी जी एड्डी कमजोर है, ये बिल्कुल गूदा ही कोई नहीं कि नाल जाए, ये दुध की देगी, ये कमजोर है जा नहीं सकी। हजूर ने फरमाया इजाजत तू दे बाकी साडा काम है तू इजाजत दे दे। उन्हें कहा जी अच्छा जी दुध दें तो चोलो। सरकार ने हजरत अबू बकर सिद्दीक नाल सन, उन्हें जाके बकरी फड़ी ना इंज करके लैके आए। हुण मेरे वाल वेखना, हजूर ने खाली एक बारी हाथ फेरिया, तुसी कल कहना सुभान अल्लाह। हजूर ने ना खाली एक बारी इंज ना हाथ फेरिया, चुंगी आ लियो हाथ फेरन दी देर सी, बकरी ने ना टंगा खोल दितियां, थन दुध नल भरे गए, यानी बकरी ने ठंगा आप खोल के इशारा दिता वाबिया तू नहीं जानदा मैनू भी पता है अल्लाह दा नबी है। अल्लाह या रसूल अल्लाह आजम जिंदाबाद 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 लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक
लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक ताजदारे खत्म नबूवत। बकरी ने ना टंगा चौड़ियां कीतियां हुजूर दे खाली हाथ फेरन दी बरकत सी। अच्छा ओ माई जड़ी सी ना ओदा नाम सी उम्मे माबद। की नाम सी? ओ निक्का जिहा भांडा लै आई भाई, चलो बकरी ते दुध दिंदी नहीं सी, ओ भांडा भरिया गया। हुजूर ने दूआ भांडा मंगाया, ओ भरिया गया। तीजा चौथा पंजवा उम्मे माबद दे घर दे भांडे खत्म हो गए, बकरी दा दुध खत्म। हुण अगली गल सुनो मजेदारी वाली। सरकार ने भी दुध नोश फरमा लिया, हजरत अबू बकर ने भी नोश फरमा लिया, वह बीबी ने भी, वो पुत्र ने भी। अच्छा वो पुत्र का नाम सी माबद। उम कहते ने मां, उम किनू कहते ने? उम्मे माबद का मतलब की होया? माबद दी मां। हुण माबद भी वेख रहा की हो रहा है, तो उम्मे माबद भी वेख रही है। हुण तवज्जो है मेरे वल, मैं दस की रहा कि हजूर बड़े हुजूर बड़े हाय 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 गल बड़े नेड़े आ गई। तो मैं क्या कुछ लोग दूरों सोहने लगते ने पर नेड़े आण दे बंदा सोचता मैं की कर लिया है। रिश्ता करन जाओ ना रिश्ता, अजकल इतना कोई फ्राड है, दो नबरी ते झूठ, तौबा तौबा तौबा। ते दूरों मेरे अपने खानदान चेंज होया रिश्ता करन तो पहले, जनाब क्या बात है जी, बल्ले बल्ले जनाब असी ते इंज यकीन करो बच्चियां दा जीना हराम कर देंदे, बच्चियां दा जीना महीने महीने तलाकां हो जांदियां ने। ओए बेटे ओ बैठ बैठ, महीने महीने तलाकां, दूरों एडे सोहने लगदे ने, सारे मोहल्ले शराफत दा चर्चा, रिश्ता करो ते पता लगदा इन्हां तों ते गंदा बंदा ही कोई नहीं, ये ते एडे जालम लोग ने जिहदी कोई हद नहीं है कि नहीं। तो इसे तरह बाज औकात कुड़ी वाले एडे एडे चंगे होंगे ने, एडे कुड़ी वाले जो कुड़ी व्याह के लिया फिर पता लगता ओफ माई गोड कितने पाला पा लिया है, ए कुड़ी है, इंज दी कुड़ियां होंगे ने सारे खानदान की इज्जत दाते तू आ पासो इंज है, यकीन करो आप है। ये पता कदों लगता है? और दूरों चंगे सन, नेड़े आए तो पता लग गया की गल पा ली है मुसीबत। हुण मैं तुहाडे सामने गल करन लगा, चस ना आई ना तुहानू ते मैं अज तो बाद तकरीर छड़ देंगा। की फायदा है जी तकरीर का जिहड़ी किसी के दिल च ना उतरे। उम्मे माबद ने ना, उम्मे माबद माबद की मां ने हैरत नाल वेख रही है हो की रहा हो की रहा, बकरी इतना दुध है, हजूर ने खाली हाथ फेरिया बकरी का दुध इन्ना हो गया। वो ये वेख के ना मंजर भुल ही गए कि असी ना तो पुछिए कौन हो, कितों आए हो, की करते हो, रेंदे कितने हो। वो खाली वेखते ही रहे साडे नाल बड़ी की है, अज साडे घर होया की है, हजूर चले गए तशरीफ लै गए, ये दोवें माँ पुत्र वेखते ही रहे वेखते ही रहे। शाम हुई बंदा घर आया, माबद का प्यो, उम्मे माबद का शोहर, अबू माबद, माबद का प्यो अबू माबद घर आया ना, चुंगी आ लियो। उन्हें घर आके वेखिया अज घर का नक्शा कोई बदलिया बदलिया है, अज इजाजत हो जुमला और बोल दें, अज साढ़े घर दियाँ टोरा कुछ होर ही ने, जिवें तुहाडे घर अचानक महफल आ गई है। उन्हें वेखिया अज घर का कोई रौनक माहौल, उन्हें अपनी बीवी को पुछया भलीए लोके गल की है, उन्हें कहा मैं तेनों की दसा, अज साढ़े घर एक बंदा आया। उन्हें कहा बंदा कौन सी? उन्हें क्या इंज हाथ फेरिया बकरी इन्ना दुध दे रही है, ए वेख बकरी की हालत वेख। उन्हें क्या है कौन सी? हूँ इन्हों अगो ना ही ना पता हो, इन्हें ना पूछिया ही नहीं, इन्हें अपने को दोवे माँ पुत्रा ना रख लिया। कहते साडे घर एक मुबारक आया सी। साडे घर कौन आया सी? मुबारक का माना होंगे बरकत आला, मुबारक का माना की होंगे? उन्हें क्या बरकत आला आया। हूँ जनाब की होए उम्मे मुबारक ना आएगा? आह सुभान अल्लाह जींदे रहो, सोना भी लगता पिया, अल्लाह बरकत देवे। तवज्जो मेरे वाल भाई, एक बारी कहो सुभान अल्लाह। हुण जनाब वो रल के घर बैठे ना, उन्हें क्या भलीए लोके कौन सी? उन्हें क्या मैं तेनों की दसा, हाय हाय। हुण ये जुमला उम्मे माबद दा है, उन्हें क्या कोई गल ते सुना मुबारक दी। उन्हें क्या मैं एक ही गल करा, मैं होर तेनों की दसा, वो दूरों सोहना लगता सी। हुण जुमला आ गया उत्थे, ओ दूरों सोहना लगता सी, नेड़े आंदा सी ते होर सोहना लगता सी। ऐ जी दूरों सोहना लगता सी, नेड़े आंदा सी ते होर
सोना लगता सी। हाय 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 मैं हुण समझ आई जे सरकार किड्डे सोहणे सन। वह दूरों सोहणे लगते ने, नेड़े आते ने ते होर आवाज आ, नेड़े आते ने ते होर ओ एवें रल देने लोकी, ओ एवें रल देने लोकी तेरे नाल सोनिया, एवें रल देने लोकी तेरे नाल सोनिया, एवें रल देने लोकी तेरे नाल सोनिया, एवें रल देने लोकी तेरे नाल सोनिया। तेनू रब ने बनाया बेमिसाल 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 सोनिया, एवें रल देने लोकी एवें। मेरी गुजारिश है थोड़ा महफिल की पाकिजगी का ख्याल रखें बराए करम। बहुत शुक्रिया तमाम अहबाब, महफिल की पाकिजगी का ख्याल रखें। अल्लाह आपको सेहत दे तंदरुस्ती दे, बहुत ख्याल रखें महफिल की पाकिजगी का। एवें रल देने, बहुत सारे नातवां बैठे, मैं इन जैसा तो नहीं पढ़ सकता लेकिन मैं जैसा पढ़ सकता हूँ ऐसा तो जरूर ही पढ़ूंगा। एवें रल देने लोकी तेरे नाल तेरे नाल, तुसी जे बुलाओ आका रुख टुर पेंदे ने, तुसी जे बुलाओ आका रुख टुर पेंदे ने, मुठियां च रोड़े भी दुरूद पढ़ लेंदे ने, मुठियां च रोड़े भी दुरूद पढ़ लेंदे ने। ओ तेरे गिण गिण दसा, ओ तेरे गिण गिण दसा की कमाल। अच्छा सोनिया खाली तुसी कह दो, बाकी काम मैं आप कर लांगा। ओ तेरे गिण गिण दसा की कमाल, की कमाल नहीं चासाई की कमाल। तेनू रब ने बनाया बेमिसाल सोनिया, एवें रल देने लोकी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो उन्हें क्या दूरों सोने लगते सन, नेड़े आण ते होर सोने। हुण जनाब रोजाना इन्हां दे घर मुबारक दियां गल्लां, मुबारक मुबारक मुबारक। एक दिन दोवें मां पुत्र बाजार गए, सामने हजरत अबू बकर सिद्दीक जा रहे सन। मर्जी है तुहाडी, तुसीं मौला सिद्दीक दे नां ते अड्डा होले बोलदे हो, सुभान अल्लाह। ए सुनिया दा मजमा राफजियां दा नहीं, इत्थे नाम मौला अली दा ना, ला हजरत सिद्दीक अकबर दा दा, असीं सारिआं दे गुलाम आ। हां जी हजरत सिद्दीक अकबर जा रहे सन, नजर पै गई पुत्र दी मोहब्बत दी हजरत अबू बकर दी। उन्हें फौरन चीख के क्या उम्मी, इंज नहीं एकदम बंदा कहदा उम्मी। ओ मां ने क्या खैर है की होए, उन्हें क्या हाजर रजुलो काना माल मुबारक, उन्हें क्या ए बंदा मुबारक दे नाल सी। ए बंदा मुबारक दे ना उन्हें आप रखिया सी, ना उन्हें आप रखिया सी मुबारक। मां नस के गई हजरत अबू बकर के सामने एकदम आ गई उम्मे माबत। हजरत अबू बकर ने वेख्या बीबी पता नहीं कौन है की, उन्हें क्या आइनल मुबारक, क्या मुबारक किधर है। हजरत अबू बकर नू की पता के की किंदा पूछ रही, आपने क्या कौन मुबारक, उन्हें पता ही नहीं कौन मुबारक। उन्हें क्या तुसी साडे घर आए सी, बकरी दे हाथ फेरे सी जिन्हें, आप समझ गए मेरे हजूर की गल हो रही है। आपने फरमाया आ फिर तेनू मुबारक नाल मिलावा, बोलो सुभान अल्लाह, आ तेनू मुबारक नाल मिलावा। ते लै के गए सामने मस्जिद नबी दे सैन च, मेरे हजूर तशरीफ फरमा रहे, मेरे हजूर तशरीफ फरमा रहे हैं मस्जिद नबी, सुभान अल्लाह। ए ना घर दे मुका छड्या, एदे च कुछ भी नहीं हैगा, दूसरा आएगा नहीं है ही कोई नहीं। एक मिनट एक मिनट, ठीक है ठीक है, नहीं कोई गल नहीं, सही है, चलो बड़ा है।
एक बारी जोर नाल जरा, एक बारी जोर नाल, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 ताजदारे खत्मे नबुवत, ताजदारे खत्मे नबुवत। सामने मस्जिद नबी हुजूर तशरीफ फरमा ने है, ते आपने इस्लाम उन्हें कहा जनाब तुसी दसो तुसी है कौन हो, अजी तो तुहाडा नाम ही नहीं पूछा। सरकार ने सारी गल दसी, मैं अल्लाह दा नबी हाँ। उस टाइम उन्हें कलमा पढ़ लिया, उस टाइम उन्हें कलमा पढ़, बोलो सुभान अल्लाह। बस ठीक है, उरे दे दो, साढ़े कोल दे दो, इधर ज्यादा जरूरत है, भेज दो। अल्लाह मसल्ले वसल्लम अला। बस मेरी गल मुकन लगी, पांच मिनट रह गए, तुसी अपना टाइम जाया कर रहे हो, मैं गल मुका देनी है, खुले कराए जे, बस तवज्जो कर लो फिर मेरे वाले। आखिरी गल मैं हुण करन लगा, एक बार कह दो सुभान अल्लाह। इसलिए आला हजरत ने क्या लिखा, तवज्जो है मेरे, इधर देखो बेटे, पश्तो में पढ़ता हूँ, पहले तवज्जो मेरे तरफ करो है। आला हजरत ने लिखा, दिल अपना भी शहदाई है उस नाखुने पाका, माह कहते हैं चांद को, नौ माने नया, चरख कहते हैं आसमान को, कोहन कहते हैं बूढ़े को। और आला हजरत का शेर सुनो, चसनाई पैसे वापस, शेर सुनो आला हजरत। आला हजरत ने कहा, सरताबा कदम है तने सुल्ताने जमन, फूल लब फूल, दहन फूल, बदन फूल, जकन फूल, दिल अपना भी शेदाई है उस नाखुने पाका, दिल अपना भी शेदाई है उस नाखुने, इतना ना इतना महे कोहे मेहन एक चरखे कोहन फूल। आला हजरत कहते हैं, हुजूर दा जड़ा नो है ना, पैर दा नो, ओदी जड़ी शकल होंदी है ना, पहले दिन दे चंद दी तरह होंदी है। तो महे नो का मतलब है नया चांद, तो चांद जब निकलता है ना पहले दिन का, तो चरख कहते हैं आसमान को, कोहन कहते हैं बूढ़े को, तो आसमान खुशी करता, कहता चंद मेरे कोल है, चंद निकलिया। आला हजरत आंदे ने, आसमान दे चंद ते ए बूढ़े आसमान, इतना ना फूल, ए तेरे चंद नालों हुजूर दे पैर दा नो सादा सोना है, है? तेरे चंद नालों हुजूर दे पैर मुबारक दा जेड़ा नो है ना, वो ज्यादा सोना है, वो ज्यादा सोना है, इतना ना महे नो पे ऐ चरखे कोहन फूल, दिल अपना भी शदाई है उस नाखुने पाका। बोलो सुभान अल्लाह। ये बात है, यानी इतना आला हजरत ने आगे जाके, और यही बात जब पीर मेहर अली शाह ने की, उन्होंने कहा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, इस सूरत नू, भाई आपके पास हुसन की आखिरी दलील क्या है, चंद, तो आटे को हुसन की आखिरी दलील की है, तो उसी कहोगे मेरा पुत्र चंद वर्गा है ये ना, आज ते चंद पे लग दे हो, आज ते चंद वर्गे चमक रहे हो, ओए मेरे चन्ना, इस तो अगे को गल है, बोलो मेरे यहां चन्ना, चंद वर्गा सोना, चंद पे लग दे हो, आज तो चांद की तरह चमक रहे हो, इस तो अगे कोई गल है, जिते दसो आखिरी गल तुहाडे कोल हुसन दी की है, हुण सुनो तुहाडे कोल आखिरी गल चन्न है ना। मौलाना हसन रजा खां कहते हैं चन्न है किहदे कोल, आखे जी आसमान कोल, फरमाया हुण जिहड़ी हुसन दी आखिरी दलील है ना, वह शह आसमान कोल है, और आसमां गर तेरे तलवों का नजारा करता, रोज एक चांद को सदके में उतारा करता। वो आंदे ने जेड़ा चंद सब तो सोना है ना, हुसन दी दलील ये है किहदे कोल, फरमा आसमान कोल, फरमाया जिंदे कोल चंद है ना आसमान कोल, ये आसमान कदी हुजूर दे तलवे वेख लवे ना है ते की करे, फरमाया वो जेड़ा सब तो सोहनी शह ओहदे कोल है ना, इंज दा रोज एक हुजूर दे कदमां तो निछावर कर दवे। मैं पूछया ए चन्न कदमा तो निछावर एदा की ताल्लुक है, हुण जरा सुनो, या सारे उठ के टुर जाओ या फिर मैनूं चस आए तुहाडी आवाज दी। मौलाना हसन रजा खां कहंदे ने, आसमान तेरा चन्न एडा सोहना नहीं जिदे नबी दे तलवे सोहने ने, है नी गल है तेरे आसमान यार, आसमां गर तेरे तलवों का नजारा करता, रोज एक चांद को सदके में उतारा, ते फिर वो चन्न आप की करदा, जेड़ा चन्न एडा सोहना है जिन्नी मिसाला ने है, कौन कहता है मेरे मेरा महबूब गंजा है, चांद के सर पे भी कभी बाल होते हैं।
भाई चांदी गल्ला ने ना सारियां, चांद चांद चांद, तो जो चांद इतना हसीन है उसके बारे में कहा, क्या कहा? कहा वो चांद खुद क्या करता, का छुप गया चांद ना आई तेरे दीदार की ताब, और अगर सामने रहता भी तो सजदा करता। तो ये चंद छुपन का टाइम केड़ा जे भला, कदी गौर किया जे चंद छुपता कदों है? सरगी वेले, ते सरगी दा वेला केड़ा है? हुजूर दे आउण दा वेला। ये चंद उदों क्यों जांदा है? उदों तां ही जांदा अज मदीने दा चंद आ गया। समझ आई? हुजूर दे सामने खलोंदा ही नहीं। बात यह है हजरत जी वकार, इस बात को पीर मेहर अली शाह साहब कहने लगे, इस सूरत नू मैं जान आखा के जाने जहान आखा, सच आखा ते रब दी मैं शान आखा, जे शान दुशाना सब बनिया मुख चंद पदर, शाशानी है मथे चमक दी लाट नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखियां इन मद भरियां, दो अबरू कौस मिसाल दिसन, जितों नौके में आ दे तीर छुटन, लब्बा सुरख आखां के लाले यमन, चिट्टे दंद मोती दियां हिन लड़ियां। सुभान अल्लाह, मा अजमल का मा अहसन का मा अकमल का, और किथे मेहर अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियां किथे। इथे हुण शेर सुनो जरा पीर साहब दा, आंदे ने लब्बा सुरख आखां के लाले यमन, ए लाले यमन नहीं, इनू कई 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 नाथवां नू पढ़दे ने लाले यमन, सिखो नाथवानो भी मेरे को आज सिखो, लाले यमन नहीं, लाल रंग होंदा है, ए लाल नहीं किया, लाल आईने विच, लाल दा मतलब की ये रंग नहीं, लाल दा मतलब है मोती, ते यमन दा मतलब की होया शहर, यमन दे मोती सब तो ज्यादा मशहूर ने, यमनी अकीक, ए मैं पाया होया यमनी अकीक, अकीक यमन का मशहूर है, मोती यमन के मशहूर है, यमन के मोतियों की कीमत बड़ी थी, बड़े कीमती होते थे। पीर मेहर अली शाह साहब कहते हैं लब्बा सुरख आखां के लाले यमन, आंदे ने इना लब्बा नू मैं ऐ आखां के सोने लाल रंग दे ने, या मैं आखां के यमन दे मोतियां तो ज्यादा चमक रहे, लब्बा सुरख आखां के लाले यमन। अच्छा कई बंदे होंदे ने बड़े ही सोहने होंदे ने, उन्हां दा चेहरा वेखो बंदा कहंदा वाह वाह किड्डा सोहना है, ए वेखना मेरी तरफ, लेकिन जदों बोलदे ने ना, ए शकील इधर वेख मेरे वल, ए जदों बोलदे ने ना खुले दे इन्हां नूं, इन्हें वापस मैनूं ही देने ने, तवज्जो पर मेरे वल कर लो, ए वेखो मेरे वल सारे, तवज्जो है नहीं तुहाडी? तवज्जो ही कोई नहीं, तवज्जो है? ओए तुसीं कहो है, तवज्जो है? हां हुण सुनो, बोलदे ने बड़े ही सोहने लगदे ने, ऐ लेकिन ऐ इंज करदे ने ना जदों हसदे ने, ऐ अगो दंद कोई अगे होंदा कोई पिछे होंदा कोई उत्ते होंदा कोई थल्ले होंदा, उन्हां दंदां ते लोकां मशीन लवाई होंदी है, वो मशीन पता किन्ने दी लगदी जी? आ है जी 40-45 हज़ार, अलग तकलीफ, अलग औखा, अलग रोटी खाना, ब्रश करना, इंज मूँह सुजिया रहिंदा है, होंठ अलग दर्द करदे ने, इतना शुरू दर्द होंदा, वो किसी नूं पुछो यार की लोड़ है मशीन लवाउण दी, आंदा जी बुरे बड़े लगदे ने। अल्लाह ताला सेहत देवे सब नूं, नहीं हसण दी गल नहीं, हसण दी गल नहीं, अल्लाह ताला सब नूं सेहत देवे। ओ दंद वाकियतन ओ अगे पिछे होण ना, वेखना जरा चेहरा भावें सोहणा होवे, बंदा जदों दंद मूँह खुलदा हसदा ना, दंद वेख के बंदा कहिंदा यार सारे हुसन दा बेड़ा गर्क हो गया। वो फिर लोग मशीन लवाउंदे ने, वो मशीन ते 40-45 हज़ार अलग लगदा, 6-8 महीने का कोर्स है, फिर जाके दंद कितने सीधे, किसी के होंगे ने किसी के नहीं होंगे, इतना खर्चा करके बंदा दंद सीधे क्यों करांदा? आंदे खाली मैं सोना लगा। और जुमला सुनो, पीर साहब आंदे ने लब्बा सुरख आखां के लाले यमन, चिट्टे दंद मोती दियां हिन लड़ियां। है गल मजेदार के नहीं? ये था मेरे हुजूर का हुसन, ये था मेरे हुजूर का, हुजूर वर्गा सोना कोई नहीं कायनात, हुजूर का वर्गा कायनात सोना, हुजूर दी आवाज भी सोहनी, हुजूर दा चेहरा भी सोहना, हुजूर दा रंग भी सोहना, हुजूर दा टुरना भी सोहना, हुजूर दा सुनना भी। कौनन दिवाली दा घर बार बड़ा सोहना, सो रब दी मदीने दा दरबार, सब दाइयां हलीमा नू हैरत नल पुछदियां सन, कितों लैके तू आई है एहो लाल बड़ा सोना, सो रब दी मदीने दा
दरबार बड़ा कह दो सुभान अल्लाह ओ वेखो ना जहूरी नू निस्बत ते नजर रखो निस्बत ते नजर रखो मैं को जा जिन्ना भी मैं को जा पर हाँ मेरा गम ख्वार बड़ा सोना सो रब दी मदीने दा दरबार मैं खत्म करन लगा सारा मजमा बोल जावे मैं तुहाडे वर्गा क्या नहीं पढ़ सकदा मैं पहले ही किया मैं नहीं पढ़ सकदा सो रब दी मदीने दर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਥਵਾ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਇਹ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾ ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾ ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਗਿਰਾ ਲਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹੋ ਸੋਹਣਾ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਸੋਹਣਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇੰਜ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਵਰਨਾ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਇੰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੋ ਉਲਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਵੇਖੋ ਅੱਲਾ ਸਲਾਮਤ ਅੱਲਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਨਾ ਔਰ ਅੱਛਾ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਲਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਵੈਸੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਣ ਵੇਖੋ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਲਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਹਿਫਿਲ 'ਚ ਨਾ ਧੜਮ ਦੁੜਮ ਹੋ ਜਾਏ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਲਿਮ ਕਹਿ ਹੀ ਦੇਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਨਾਥ ਖਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਜਾਣ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕਦਮ ਆਲਿਮ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਖਸੂਸਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਨਾਥ ਖਾਨ ਐਡਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਤਫੈਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਿਆ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਹਿਫਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਖੁਰਮ ਭਾਈ ਇਹ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਹਿਫਲਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਬੜਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਲਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਥਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਵਲ ਤਾਂ ਉਲਮਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੰਨ 'ਚ ਸਮਝਾ ਦੇਣ ਔਰ ਅਗਰ ਗਲਤੀ ਉਹ ਕਰ ਹੀ ਬੈਠਣ ਅੱਗੋਂ ਨਾਥਵਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਵੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕੰਮ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਤਰਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਅਮਲ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਕਰੇ ਇਹ ਕਲਿੱਪ ਅਗਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਮੌਜੂ ਕਲਿੱਪ ਸੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਏ ਨਾ ਹੋਏ ਚਲੋ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੱਟ ਕੇ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਨਾ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਬਾਈ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਂ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਆਈ ਸੀ ਅਸਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗਿਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਖਤੀਬ ਵੀ ਬੜੇ ਉਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਬੜਾ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਹੈਂ ਹਾਂਜੀ ਆਪਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਨਾਲ ਕਰੋ ਪਿਆਰ ਦੇਖੋ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ੈ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ੈ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਰੱਜ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਨਾਲ ਬਗੈਰ ਪੁੱਛਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦੇ ਬਗੈਰ ਅੰਗੂਠੇ ਚੁੰਮੋ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿਤੇ ਅਸਾਂ ਬਗੈਰ ਦਲੀਲ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਚੁੰਮਣੇ ਨੇ ਬਗੈਰ ਦਲੀਲ ਦੇ ਮਿਲਾਦ ਮਨਾਓ ਯਾਰ ਪਿਆਰ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹਤਾਜ ਹਜ਼ੂਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ ਅੰਨੇ ਵਾਹ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਮੀਰੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਬੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅੰਨੇ ਵਾਹ ਕਰਨਾ ਅੰਨੇ ਵਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦਲੀਲ ਦੀ ਲੋੜ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਨਾ ਜੀ ਦਲੀਲ ਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦਲੀਲਾਂ ਤੂੰ ਲੱਭ ਤੂੰ ਮੁਹਤਾਜ ਹੈ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਡਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਨਬੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਦਲੀਲ ਦੀ ਲੋੜ ਬਸ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੌਜੂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖੋ ਫਿਤਨਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣਾ ਨੈਟ 'ਤੇ ਦੀਨ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੇਲਮੀ ਵਰਗੇ ਆਪਣੇ ਕਲਿੱਪ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਦੀਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕਲਿੱਪ ਸੁਣ ਕੇ ਰਫਾ ਦੇਣ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਅਕੀਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਬਾੜਾ ਬਣਦਾ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਅਕੀਦਾ ਕਬਾੜਾ ਬਣਦਾ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਖਰਾਬ ਮਤ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੇ ਦੀਨ 'ਤੇ ਰਹੋ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਮਲ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਦਾ ਕਰੇ ਵਾ ਆਖਿਰ ਉਹਦਾ ਵਾਹਨਾ ਬਹੁਤ ਨਾਥਵਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ
अच्छा जी, पश्तो दे कहंदे ने, ए नौजवान भी कहंदा माशाल्लाह, दो शेर कहंदे पढ़ दियो। मैं आखना मेरा नबी, तुस आखना सुल्तान है, मेरा नबी सुल्तान है। चलो बस चुप रहो, फिर मैं आप ही कह लांगा। एक लफज दे बोलना यार तुसा, मेरा नबी, मेरा नबी। ऐ तुसा कहना बाकी तां पख्तू नहीं लगदा, ते बठाण है चेहरे तो यार। बस तुसा सुल्तान है कहना, बाकी काम मैं आप कर लांगा। सरवरे ज़ेबा दे, सरवरे ज़ेबा दे मालो सर में ते कुर्बान दे, वाह वाह तर्जमा, मेरा घर औला दूर जा, मेरा घर औला दूर जा, करवी औला बिलावल, समझो करवी औलाद भी ते जान भी, कहंदा हर कोई है जिन्हें करके विखाया उन्हों बाबा खादिम रिजवी आंदे, कर भी औलाद भी ते जान भी। लब्बैक 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 यार ताजदारे खत्म नबूवत। मेरा घर औलाद उर्जा सब आप पर कुर्बान है, मरहबा कितना हसी मेरा नबी, मेरा नबी नहीं चाचाई, मेरा नबी तर्जमा। अम्मा आयशा के हाथ से जिस वक्त सुई खो गई, अम्मी आयशा का नाम लिया मैं, ए पक्का चलाओ जी, अम्मी आयशा का नाम लिया, ओ नहीं समझे तुसी, ओ अम्मी आयशा का नाम लिया, मजमा राफजियां का नहीं, मजमा सुनिया का, पता लगे अम्मी का नाम सुन के सुनी कि मैं सुभान अल्लाह कहता है, अम्मी आयशा। तवजो तवजो, ठीक है बाद ला लेना, एक मिनट रुक जाओ, बस आखिरी शेर सुन लो फिर ला लेने, तवजो। वाह मेरे मौला वाह सुभान अल्लाह, लाइट आई है तो पता लगा लाइट की होती है। आखिर अम्मी जान का नाम लिया, लाइट तो आनी सी। अम्मा आयशा के हाथ से जिस वक्त सुई, वापडा दी बत्ती आ गई तुहाडी चली गई, तुसी सारे खो गए, ओ तवज्जो। अम्मी आयशा के हाथ से जिस वक्त सुई, फिर मुस्कुराए आप तो हर चीज रोशन, अरे चेहरा ए रसूल है, चेहरा ए रसूल है, या चौहदरी का चाँद है, वावा 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 वावा, सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे, बोलो सुभान अल्लाह। आखिरी शेर आखिरी, मिस्र दी औरतां हजरत यूसुफ नु वेख्या, अपनियां अंगलां कट लईयां, ते जे मेरे हुजूर नु वेख लैंदियां फिर की करदियां, सुन सुनो। खजूच यूसुफ नी तू कुत्ती खड़ी कलामा, समझती आ गई होनी, वाया करना सुभान अल्लाह। खजू ची यूसुफ ली तू गुत्ती खड़ी कलाम, दकई ली दिले वे सरवर आलाम, सरवर आलाम, तर्जमा। उंगलियां काटी जिन्होंने हुस्ने यूसुफ देख कर, देख लेती आंख से मेरे नबी को वो अगर तो फेर लेती दिल पे, फेर लेती दिल पे छुरिया, ये मेरा ईमान है। सारे चुप कर जाओ, वो जड़े खड़े हो ते जड़े बाहर हो, तुसी कहना सुल्तान है, ए सारे चुप ने।
मरहबा गिदना हसी मेरा नबी ओ बारह ले रह गए मेरा नबी हुण तुसी बोलना मेरा नबी मेरा नबी सुल्तान है।